राधे राधे संगवारी हो, कैसे हो आप सब? बने बने ना, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मुझसे जी तड़का वन चैनल में। आज मैं बनाया हूँ फ्रूट कस्टर्ड। देखर विधि मैं आप सबसे भी साझा कर रहा हूँ, आप सब भी बनाओ, खाओ और मुझे जरूर बताओ कैसे लगे से। और गर्मी में तो फ्रूट कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। और फल सब डले रही थे तो बहुत फायदा भी करते। ऐसे तो कोई फल खल करे नहीं, ऐसे तो फल खाए नहीं सब कोई। और कस्टर्ड बना के देते तो सब लोग बहुत बात है, तो 2 कटोरी 3 कटोरी का लोग खा लेते हैं। तो चलो मैं कर भी दे बताता हूँ आप सब लोग। तो जो जो मुर चैनल में नया है, प्लीज़ मुर चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो कर भी दे बताता हूँ। सबसे पहले ही दूध ले लेना है, तो ये दूध आधा किलो है। अब ये दूध लग गर्म कर रख देना है, लेकिन थोड़ा से दूध एक कटोरी में अलग कर देना है। और ये कस्टर्ड पाउडर लेके उला घोलना है। तब ये कस्टर्ड पाउडर हम निकाल लें कटोरी में। अभी मैं दूध डाल के इला घोल लेना है। आप चाहो तो ठंडा दूध से भी घोल सकते हो और गर्म दूध से भी घोल सकते हो। तो वे हल्का सा गुनगुना रही से दूध है, तो मैं से मैं घोला था। और अच्छा से मिला के घोल लेना है। डायरेक्ट उमा खोले से का है वो गाढ़ बन जाते हैं, और कटोरी में मिक्स करके डाले से आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर ये बढ़िया घोल लेना है और दूध ला वापस गर्म करेला रख देना है। फिर जब दूध में अच्छा से उबाल आ जाए उखर बाद वाला धीमा करके फिर उमा ये कस्टर्ड जो घोले हैं वो मिला देना है। धीरे धीरे करके मिलाना है और चलाते जाना है, काहे तला में बैठ जाते ना, थोड़ा अच्छा से हिला जाना है। दो तीन मिनट तक होला पकाते ही जाना है। आप देखो बहुत ही जल्दी ये एकदम गाढ़ा हो जाते हैं। अभी माँ उबाल आ गए है, अभी करवा दे मैं शक्कर मिला देना है। तो शक्कर आप जितना मीठा चाहो घर हिसाब से डाल सकते हो। फिर अब ये कुछ फल ले ले हैं, जैसे केला है, अनार है, सेब है, अंगूर, आप जो फल चाहो डाल सकते हैं ना। तो सब ला अच्छा से साफ करके बारीक बारीक काट देना। अंगूर ला भी काटते हैं तो काहे अच्छा से वो डूब जाए वो कस्टर्ड में और उसका टेस्ट बढ़ जाए। नार नार सब लबड़िया छील ले हैं। केला ला आप चाहो तो और बारीक कर सकते हो। जो कस्टर्ड है वो ठंडा करके 2-3 घंटा फ्रिज में रखे रहे हो, तब ये अच्छा से ठंडा हो गए। तो अब एमा फल मिलाए के पारी, तो फल मिलाना है एमा। तो एक एक करके सब फल ला डाल दे वो एमा। केला डाल दे, अनार डाल दे, थोड़ा अनार बचाए रहे हूँ बाद में कहे थोड़ा ऊपर से सजाए काम आते। और ये सेब भी मिला देना है माँ। सब फल आप बढ़िया बारीक कर सकत हो, बहुत अच्छा ही टेस्ट लगते हैं। अब अंगूर भी मिला देना। अब इला अच्छा से मिक्स कर देना है। देखे में भी बहुत सुंदर लगते, खाए में भी बहुत अच्छा लगते। अब इला जैसे चाहो वैसे बर्तन में डाल सकत हो। तो मैं ग्लास में डाले हूँ, खाए पी भी सकते हो, खा भी सकते, दोनों काम आते। गाढ़ा गाढ़ा बड़ा सुंदर लगते। आप सब भी बनाओ और खाओ, फिर बताओ मुझे कैसे लगे से। और मोर वीडियो ला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कस्टर्ड के और भी तरीका है, ड्राई फ्रूट वाला, चॉकलेट वाला, मैं सबकी विधि बताऊं। तो आप सब मोर वीडियो देखते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।